अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा में। आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी मसाला पुलाव। ये खाने में बिरयानी से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाने में इतने आसान कि झटपट मिनटों में बन करके तैयार हो जाएंगे। और इसे हम बना रहे हैं प्रेशर कुकर में, तो ये एक बहुत ही क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है। तो फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस बेल को ज़रूर बजाइएगा ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं एक ग्लास बासमती चावल। अगर हम वेट के अकॉर्डिंग मेजर करें तो ये तकरीबन 250 ग्राम चावल हैं और आप अपने घर की किसी भी कप या कटोरी से चावल को नाप सकते हैं। बस सिर्फ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी कटोरी से हम अपने चावल को मेजर करेंगे उसी कटोरी से बाद में मेजर करके हम इसमें पानी डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने इस चावल को 4 से 5 बार अच्छे से धो लेंगे या तब तक जब तक कि ये पूरे अच्छे से साफ़ ना हो जाए। तो मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है, अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और अपने इस चावल को 15 से 20 मिनट तक इसी तरह पानी में भीगने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा ये चावल भीग रहा है तब तक हम अपने बाकी की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए एक कुकर को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। तेल की जगह चाहे तो आप इसमें देसी घी या बटर भी डाल सकते हैं, उससे पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो तेल अब हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। कुछ सेकंड्स के लिए इसे पका लेंगे ताकि जीरा अच्छे से क्रैकल करना शुरू करे और सारे सूखे मसालों का जो फ्लेवर है वो हमारे तेल में आ जाए। तो कुछ सेकंड्स तक इन्हें पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसे कद्दूकस करके यूज़ किया है, आप चाहें तो पेस्ट बना के डाल सकते हैं। तो इसे हम आधे मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम के ऊपर ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। तो इसे हमने आधे मिनट के लिए पका लिया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ किए हैं मैंने यहाँ, जिसे इस तरह की स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो प्याज को भी डाल दिया हमने अपने इस तेल में और अब हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे या तब तक जब तक कि जो प्याज है ना ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमें इसे नहीं करना है, बस जब हल्का सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। और प्याज को इस तरह से पकाते हुए हम इसे बीच बीच में चला लेंगे ताकि ये पैन में नीचे ना लगे। तो 2 से 3 मिनट तक प्याज को मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाने के बाद अब आप देख रहे हैं कि जो प्याज का कलर है वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया, हल्का चेंज हो गया कलर इसका। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और इसी के साथ हम अपनी बाकी की सारी सब्ज़ी भी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ आलू। मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के आलू यूज़ किए हैं, जिसे इस तरह के टुकड़ों में काट लिया है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 कप मटर, ये ताज़े मटर यूज़ किए हैं मैंने यहाँ। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसे इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो जो टमाटर है ना ये भी हम अपनी सारी सब्ज़ी के साथ ही इसमें डाल देंगे और टमाटर ही हमारे इस रेसिपी का मेन इन्ग्रीडियंट है। तो इसे अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसी के साथ इसी स्टेज के ऊपर मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच नमक। नमक डालने से हमारा टमाटर थोड़ा और भी जल्दी पक जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम अपने इस टमाटर को लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरे अच्छे से पक ना जाए। तो कुकर को हम ऊपर से इस तरह से ढक देंगे ताकि टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाए। और इस तरह से टमाटर को पकाते हुए हम इसे बीच बीच में चला लेंगे ताकि ये पैन में नीचे ना लगे। तो टमाटर को थोड़ी देर तक मैंने पका लिया है और आप देख रहे हैं कि अब हमारा ये जो टमाटर है ये पूरे अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये इसे बहुत ही अच्छा कलर देगी। बट अगर आप नॉर्मल मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को कम डालिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ हमारे इस चावल को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगी। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला। मैंने यहाँ घर पर बना हुआ बिरयानी मसाला यूज़ किया है और इसकी रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इस रेसिपी के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इन्हें लो फ्लेम के ऊपर सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि हल्दी का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो 1 मिनट तक मैंने इन मसालों को भून लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना। तो 2 बड़े चम्मच मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा सा मेरे पास ये पुदीना था तकरीबन 2 बड़े चम्मच, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। पुदीना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ये मिल जाए तो आप इसमें डाल दीजिएगा, बट अगर ना मिले तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे ये चावल। तो जो चावल हमने पहले भिगो करके रखे थे उसका पानी हमने निकाल दिया है और चावल को हम डाल देंगे अपने इस मसाले में।
और इसे अब हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए कि हल्के हाथों से मिक्स करना, नहीं तो चावल सॉफ्ट हो गया है और ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो चावल को अच्छे से मिक्स किया हमने, अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर पहले एक मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। तो एक मिनट तक इसे भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जिस ग्लास से हमने अपने चावल को मेजर किया था उसी से हम अपने पानी को मेजर करेंगे, और टोटल एक ग्लास चावल के लिए हम इसमें डालेंगे डेढ़ ग्लास पानी। तो ये पहले मैंने एक ग्लास पानी इसमें ऐड किया और अब मैं इसमें आधा ग्लास पानी और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल डेढ़ ग्लास पानी हमने ऐड किया है एक ग्लास चावल के लिए। अब हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, तकरीबन 3/4 छोटा चम्मच। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट नमक डालते हुए ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने टमाटर को पकाते हुए भी नमक ऐड किया था, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से ऐड करें। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे हम हाई फ्लेम के ऊपर दो विसल्स आने तक पकाएंगे। और जब इसमें दो विसल्स आ जाएंगी उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और अपने इस कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। तो ये आई इसमें पहली विसल, ये दूसरी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपने इस कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे, यानी कि इसके अंदर के प्रेशर को अपने आप निकलने देंगे। तो थोड़ी देर के बाद अब हम कुकर का प्रेशर चेक करेंगे और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से निकल गया है। अब हम इसके ढक्कन को खोलेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर आया हमारे इस चावल के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है मेरे पूरे घर में। और अब हम एक फोक से साइड से और नीचे के जो चावल हैं उन्हें हल्के हाथों से इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे ताकि जो नीचे के चावल हैं वो स्टीम की वजह से ओवरकुक ना हो। और एक बार मैं आपको चावल चेक कराती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से परफेक्टली पका हुआ और एकदम खिला खिला चावल बना है हमारा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है हमारा ये मसाला पुलाव। तो अब हम अपने इस कुकर को 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और फिर अपने इस चावल को सर्व करेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद अब हम ये ढक्कन हटाएंगे और अपने इस चावल को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर आया हमारे इस चावल के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पका हुआ चावल है ये, और एकदम आलू और मटर भी अच्छे से पके हुए हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस चावल की मेरे पूरे घर में। और आपने देखा कि बनाने में ये कितने आसान थे, वो जो बिरयानी का वो लंबा सा झंझट होता है ना वो भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।